फिर चली गोली, किसने लगाई इसकी बोली, किसने किया बलात्कार, क्यों हो जाती है सिस्टम लाचार, सब होगा बेनकाब, नहीं चलेगा अपराध का खेल। देखते रहिए प्रत्येक न्यूज लाइव पर क्राइम सीन। कदवा थाना क्षेत्र के दो अलग अलग जगहों में होली के हुड़दंग के दौरान मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक महिला सहित तीन लोग घायल हो गए। सभी तीनों दोखरा निवासी कौशल्या देवी, कदवा चौहान टोला निवासी अजय चौहान उनका भाई श्याम चौहान का इलाज कदवा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गागंज में चल रहा है। दोनों मामले में एक मामले को लेकर दोखरा की महिला द्वारा थाने में लिखित आवेदन दिया गया है। दिए गए आवेदन में महिला ने अपने ही टोला के समीप निवासी धनराज केवट, परमेश्वर केवट सहित आठ लोगों के विरुद्ध महिला के पति को जान मारने की नीयत से आए लोगों द्वारा पिस्तौल लेकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे मामले में चौहान टोला के नजदीक अजय चौहान को प्रभात झा उनके सहयोगियों के द्वारा मारपीट करने पिस्टल तानने के क्षेत्र में चर्चा जोरों पर है। चोटिल अजय चौहान ने अस्पताल में बताया कि वे अपने घर के आसपास घूम रहे थे, इसी बीच उन्हें अचानक से प्रभात झा के कहने पर मारपीट किया गया, पिस्टल तान दिया गया। पिस्टल छीनने के क्रम में उनके भाई का हाथ फट गया, जिससे सैकड़ों ग्रामीणों ने देखा भी है। वहीं प्रभात झा के पक्ष में लोगों का कहना है कि समीप में कीर्तन हो रहा था, उक्त युवक नशे की हालत में बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, जिसको लेकर उसके साथ मारपीट की गई ताकि शांति रह सके। वहीं चौहान टोला निवासी ग्रामीणों का मानना है कि प्रभात झा पूर्व में जेल की सजा काट चुके हैं, वे किसी नेपाली अपराधी के साथ क्षेत्र में रहते हैं, जिसको लेकर उन लोगों में भय का माहौल है। क्या नाम है तुम्हारा? अजय चौहान। पिताजी का नाम? श्री पूरन चौहान। अभी कहाँ पर है? अभी कुमड़ी दुर्गागंज अस्पताल में है क्या? हाँ। क्या हुआ है? मारा है गिटरिया, मारा। कौन मारा है? प्रभात झा और एक नेपाली उसके साथ में है, वो मारा है और बंदूक निकाल के भी मारा था, बंदूक छीना उसका हाथ फाड़ दिया, एक मेरे भाई का भी। जिसका हाथ फाड़ा उसका क्या नाम है? श्याम चौहान। अच्छा, तो वो बंदूक कहाँ पे, कहाँ से निकाला था? बंदूक घर में से निकाला था ना, वो बंदूक छीनने उस सोचा बंदूक से मार देगा कहीं गोली, तो बंदूक छीनने में पता नहीं बंदूक से मारा क्या से हाथ उसका पूरा फट गया है। कौन सा बंदूक था? पिस्टल था। तो जिस समय झगड़ा हो रहा था कितने बजे की घटना है? ये झगड़ा हुआ है 5 बजे से लेकर और 10 बजे रात तक। तो फिर तभी आपने क्या क्या किया? तभी हम कुछ नहीं किया, हम तो बेहोश हो गए थे, हमको सुई दिया वो भी पता नहीं है। किस बात को लेकर झंझट हुआ था? हम जा रहे थे दुकान, अचानक मतलब बोलते हुए जा रहे थे, पता नहीं एक दो गाड़ी गलत हुआ होगा इसीलिए वो मार दिया, दो तीन थप्पड़ मारता कोई बात नहीं थे, वो सीधा वो नेपाली को बोला, नेपाली सीधा लाश से मार कर गड्ढा में गिरा कर और लाश से मारने लगा, और जो बूट पहन रखा था बहुत मजबूत से पंजरा मारा पैर सब मुड़ी में फाइट से मारा है, पूरा दाँत वो सब हिल रहा है अंदर, बोले कुछ चिबा भी नहीं पा रहे न खा पा रहे हैं एक जगह से। बंदूक कब निकाला था? लगभग 10 बजे रात में। तो कमर में था उसका कि कहाँ था? कमर नहीं, वो हाथ में ले रखा चलाने जा रहा था, उसको बचाने सोचा किसी को मार देगा तो वही बचाया ना, था पता नहीं बंदूक से मारा क्या से मारने जा रहा था तो हाथ में मार दिया, और जो बचा जो बंदूक पकड़ा उसका हाथ में हाथ फट गया। जिस समय झंझट हो रहा था उस समय कितने लोग थे वहाँ? जिस समय झंझट हो रहा था वहाँ कितने लोग थे? जिस समय झंझट हो रहा था वहाँ पर कितने लोग थे? लगभग देखने वाले कितने लोग थे? देखने वाले लगभग 20-30 आदमी थे। किस जगह की घटना है? ये नुनगरा चौहान टोला के चौराहे पर, जो मतलब नुनगरा मतलब केवट टोला की तरफ भी रोड गया है, उधर ब्रह्मन टोल के भी तरफ गया है, चौहान टोला की भी तरफ गया है, उसी चौराहे पे। उस जगह का क्या नाम है? वही नुनगरा पड़ता है, मतलब चारों तरफ से चौक है वो। ठीक है।
आपका कौन सा थाना क्षेत्र है? हमारा कुमड़ी थाना कदवा। क्या नाम था आपका? हमारा उषा देवी नाम है सर। अभी कहाँ पर है? अभी हम कुमड़ी हैं, हॉस्पिटल दुर्गागढ़। अच्छा, कितना तारीख है आज? 11 तारीख है सर। अच्छा, आज होली है क्या? नहीं, आज कल होली, कल था 10 तारीख की होली। अच्छा, तो ये दुकान जा रहे थे, दुकान जा रहे थे कि कहाँ जा रहे थे, तो हम वहाँ रोड पर खड़ा थे, तो देख रहे हैं इनको लोग तीन को मिलकर, एक राजा, एक प्रभास, एक नेपाली, तीनों मिलकर के धक्का मुक्का कर रहा है, धक्का मुक्का दे रहा था, तो हम पैर पकड़े, बोले भैया छोड़ दीजिए ये लोग, इनको छोड़ा करके लाएं। तो फिर इनके बाद क्या हुआ, फिर रोड पर खड़ा थे ना, उठा करके फेंक दिए गढ़ा में, गढ़ा में फेंक करके उसके बाद पूरा पैर से जूता पहने हुए थे, खूब मारने लगे, मारने लगे, तो हम इनको किसी तरह ऊपर किए, ऊपर करके तो लोग, इनका भाई उपेंद्र चौहान जो है वो नीचे में गिर गया, उनको जो फट्ठा मारने लगे तब तक बहुत आदमी जमा हो गए वहाँ। सुनने में आ रहा है कि वहाँ आकाशी फायरिंग भी हुआ। हाँ, हुआ है, बोलता है साला मारिए देंगे आज आप लोग को, किसी को गोली से घायल हुए हैं, क्या बोलते हैं श्याम चौहान, हम तो ये लोग को संभालने में हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात बताइए, क्या वहाँ बंदूक निकाला था? हाँ, निकाला था। किसने? वो जो प्रभास, क्या नाम, पूरा नाम बोलिए। पूरा नाम देखिए नहीं जानते हैं उनका। अच्छा, आप इनका कौन जानते हैं? इनका चाची, गांव समाज का चाची है। अच्छा, तो बंदूक किसने निकाला था? प्रभास। कितना बंदूक था? एक था। गोली भी देखा था आपने? गोली उसमें था, तब ना बोला फायरिंग कर रहा था, फायरिंग हुआ, गोली आवाज किया था, हम लोग तो छोड़ा रहे थे, गोली आवाज हुआ था, बोले कि हम, बोले कि इतना माहौल खराब हो गया तो हम इनको लेके जाएंगे या गोली देखेंगे, बताइए। गोली की आवाज हुई थी? हाँ, हुआ था, आवाज हुई, हाँ हुआ था। ठीक है, आपका क्या नाम है? उषा देवी सर। पति का नाम? सुखदेव चौहान। घर? नूनगढ़ा चौहान टोला। थाना? कदुआ। जिला? कटिहार।